लोहेवाला विधानसभा में नामांकन पत्र की बिक्री आज से शुरू कर दी गई है, जिसके चलते 14 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इस दौरान डोईवाला एसडीएम युक्ता मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी गई है। हालांकि आज किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सके हैं, तो वहीं आपको बता दें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अभी तक डोईवाला में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर अभी भी जारी है। लेकिन पहले ही दिन 14 नामांकन पत्रों की बिक्री दोनों ही राष्ट्रीय दलों के माथे पर पसीना जरूर छुटा सकती है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। सेल और सबमिशन दोनों का वर्क स्टार्ट हो गया। 21 जनवरी से नोटिफिकेशन पब्लिश होने के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ने भी एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है इन फॉर्म वन। वो नोटिस बोर्ड में और अन्य जो प्रमुख स्थल होते हैं वहाँ पर चस्पा किया जाता है, जो हमारे द्वारा कर दिया गया है। हमारे यहाँ फॉर्म सेल के लिए और कोविड प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को कंप्लाइंस कराने के लिए स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। अगर ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट एक साथ नॉमिनेशन फाइल कराने आ जाते हैं तो उनके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। स्टाफ उसके लिए डिप्लॉय किया गया है कि वो उसका कंप्लाइंस कराएंगे। इसके अलावा सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है।